पेरेंट्स टीचर मीटिंग स्टार्ट हुई तो पेरेंट्स को ये पता चला कि मेरा बच्चा किस स्टेज पे खड़ा है, इसकी क्या जो है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इसकी क्या है, बच्चा फेल क्यों हो रहा है, स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा, तो उससे हमारा ड्रॉप आउट भी कम हुआ है और रिज़ल्ट बड़े बेहतर आए। कि बच्चों को तालीमी जो अमल है वो स्कूल के हद तक तो नहीं होता ना, बच्चे घर जाएं, उनके वालदैन पे तवज्जो फुल अटेंशन दें, उनकी पढ़ाई में मदद करें। जो सबसे बड़े स्टेक होल्डर हैं वालदैन, उनको ये इनकरेजमेंट देना कि वो उसके अंदर आएं और जिस स्कूल में उनका बच्चा या बच्ची पढ़ रहे हैं उसके बारे में गौर करें, उसके बारे में वक्त दें। तो ये हम भी कोशिश करें कि SMCs जो हैं उनको जारी रहना चाहिए, जो उनके फंड्स हैं उनका अगर बेहतर इस्तेमाल होगा तो उससे भी उन स्कूलों में बेहतरी आएगी। बच्चे स्कूल से जाते हैं उन्हें पूछे, आओ बेटा बताओ क्या काम मिला, क्या सबक मिला, इधर आओ मेरे पास, किताबें खोलो और बैठो। जब मैंने डेट चेक करनी है ना, वो दो दिन की डेट नहीं ना लगनी, तो मैंने टीचर के सर पे आ जाना, क्या वजह आप नहीं थी मौजूद या बच्चा मौजूद नहीं था। मेरे पास एक आई थी मदर, वो यही बात कर रही थी कि मुझे भी पता था उस स्टूडेंट का, कह रही थी कि ये पढ़ लेती है लेकिन इस टाइम टाइम नहीं दे रही, आप इसको थोड़ा सा करें। तो मैंने उसको ये इसका हल निकाला, उसको क्लास का ग्रुप लीडर बना दिया ताकि उसको हो कि मेरे पे जिम्मेदारी, अगर मैं पढ़ूंगी तो मेरी क्लास पढ़ेगी। ये चीज़ की थी ताकि वो, उससे थोड़ी बेटरमेंट आई है, उसने खुद भी पढ़ना शुरू किया और उससे उसके जो ग्रुप के मेम्बर्स हैं उन्होंने पढ़ना शुरू किया। चाहे वो कितना भी लाइक बच्चा है, जब तक माँ बाप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, टीचर सपोर्ट नहीं करेंगे, वो बच्चा तालीमी मैदान में आगे नहीं जा सकता। क्योंकि बच्चों की तरक्की के लिए वालदैन और टीचर का और SNC के मेम्बरान का साथ चलना ज़रूरी है।